नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज न्यूज नाइट में आपके सामने दिन भर की सभी बड़ी खबरों को हम रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने भारत को एक सेफ कंट्री घोषित किया है। अभी तक की रैंकिंग में उसको और बेटर रैंकिंग दी है, लेकिन साथ ही साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी कैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी सामने रखेंगे। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने कई बड़े मुद्दों को सामने उठाया, लेकिन एक मुद्दा उनमें यह भी था कि जहां एक ओर जम्मू कश्मीर में अभी तक परिवारवाद और भ्रष्टाचार तमाम दलों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री कांग्रेस और NC की जो सोच है 370 और 35A को लेकर, उसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो इसको लेकर रास्ता निकल सकता है। आज के न्यूज नाइट में यही होगा हमारा चर्चा का विषय। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर और कटरा में जनसभा को किया संबोधित। PM ने परिवारवाद पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के वायदे को एक बार फिर दोहराया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहा अनुच्छेद 370 की बहाली पर हमारी और कांग्रेस NC गठबंधन की राय एक। PM मोदी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एक बार फिर कांग्रेस एक्सपोज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2100 रुपए और 10 लाख तक के मुफ्त इलाज सहित 20 संकल्प का वादा। 7 वादों के साथ कांग्रेस भी कर रही है जीत का दावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के PM मोदी को लिखे पत्र पर BJP अध्यक्ष JP नड्डा का करारा जवाब, कहा राहुल गांधी का महिमा मंडन करना अब खड़गे की मजबूरी। सोनिया गांधी द्वारा PM मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरा। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। PM क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। UN मुख्यालय में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। साथ ही विश्व के नेताओं के साथ करेंगे कई द्विपक्षीय वार्ताएं, जिसमें जो बाइडेन के साथ मुलाकात महत्वपूर्ण। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के कामकाज पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने आयोजित किया राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थतंत्र को दे रही है नई गति। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में भारत को मिली सर्वोच्च रेगुलर फॉलोअप रैंकिंग। G20 देशों में अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी भारत से पीछे। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन। 4 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में जापान भागीदार देश, वियतनाम और ईरान फोकस देश के रूप में हो रहे शामिल। दुनिया के खाद्य और उससे जुड़ी प्रोसेसिंग पर किया जा रहा है मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कटरा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस, NC और PDP को खानदानी पार्टियां बताते हुए इन पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा गया था कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और NC का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। भारत माता की, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गुरुवार को 2 जनसभाओं को संबोधित किया। कटरा में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कांग्रेस के शाही परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। उन्होंने कहा कि ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता है, उसका पोषक है। इस दौरान PM ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का भी जिक्र किया।
और कहा कि आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के वायदे को एक बार फिर दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेकर एक नया इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। पहली बार दहशत गर्दी के साये के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की खानदानी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके जमाने में नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे और ये लोग उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश थे। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इसके बाद पीएम ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है। यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सबको जोड़ रही है, वो दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कश्मीर में शांति बहाली करने में कामयाब रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ धीरज कुमार और रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और इस चरण में जो भारी मतदान हुआ है उसके बाद पाकिस्तान का असहज होना स्वाभाविक ही है। जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है ये शांतिपूर्ण और भारी मतदान ने स्पष्ट कर ही दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उम्मीदें पाले बैठा है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 को लेकर जो बयान दिया है वो कांग्रेस और एनसी को भी कटघरे में खड़ा करता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और एनसी के रुख से ही पाकिस्तान भी सहमत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 को लेकर दिया बयान। अनुच्छेद 370 की बहाली पर हवारी और कांग्रेस एनसी गठबंधन की राय एक। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी जर्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं। ये बयान है पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, जिन्होंने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो पर एक प्रोग्राम में कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव की चर्चा पाकिस्तान में भी है। इस चुनाव में संविधान के अनुच्छेद 370 हटने को मुद्दा बनते देखा जा रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35 पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े रहे हैं। एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कांग्रेस एनसी के बयान का समर्थन इन दोनों दलों की कलाई खोलने के लिए काफी है। वहीं भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं। धारा 370 35 ए पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, SC OBC और STO का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। हालांकि चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपना देश संभाले और हमें अपना संभालने दे। पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पाकिस्तान के मंत्री का जो बयान आया उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत भी गर्मा गई है। इससे जुड़ा मैं आज का विशेष जो कहता है, जम्मू कश्मीर 370 पर कांग्रेस के समर्थन में पाक।
हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं विशेष मेहमान। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ गए हैं, साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ सीधे कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं साहिल काजमी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता शेखामे भी जुड़ेंगे, तब उनका स्वागत करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी मैं साहिल काजमी जी आप ही के साथ, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के इन चुनावों से बहुत उम्मीदें हैं भारत को, और प्रथम चरण में जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ और भारी मतदान हुआ, उससे जाहिर है कि जनता क्या चाहती है उसका एक संकेत मिल चुका है हम सबको। ऐसे में आज जो राजनीतिक पहलू सामने आए हैं, आज जिस तरीके से पाकिस्तान की एंट्री हो गई है इन चुनावों को लेकर, वो बयान दे रहा है और कांग्रेस और एनसी का समर्थन करता नजर आ रहा है, इससे क्या आकलन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जनता ने अपने मत से अपनी बात स्पष्ट कर दी है। पहली बात तो मैम थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये है कि चुनाव में जो परसेंटेज रही है पार्लियामेंट की इलेक्शन में, हमें पूरा यकीन था कि जब भी असेंबली इलेक्शन होंगी ये परसेंटेज बढ़ेगी। और आपने देखा जो इन्वेस्टमेंट मोदी लेड सरकार ने 10 सालों में जम्मू कश्मीर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए की, जो एक मैसेज 2014 से अब अभी तक पाकिस्तान को दिया कि गन और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, उसी के डिविडेंड्स हैं कि लोग आज खुली फिजा में इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस इलेक्शंस के फेस्टिवल को मना रहे हैं। मुझे लगता है किसी ईद दिवाली से ज्यादा फेस्टिवल जो है वो इलेक्शंस का फेस्टिवल दिख रहा है। कल सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक लाइनों में, और वो हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग औरतें जो कभी किसी के फतवे पे जारी करने पे घर से नहीं निकलती थी या वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो सब घर से निकली है और एक बात का मैसेज पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर दे दिया कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हर कश्मीरी जो है वो उसमें शामिल हो रहा है। और ये इंडिकेशन जो है पाकिस्तान को कभी डाइजेस्ट नहीं होगी। जब जब मैं कहता हूँ हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जब G20 40 ममालिक हिंदुस्तान में आएंगे, जब जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, बच्चे से बुजुर्ग जो है अमन की सांस लेगा, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और ऊट पटांग की बातें करेगा। और इस वक्त जो दौर है, पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है पूरी दुनिया में, एक पॉलिटिकल रिसेशन से और एक इकोनॉमिकल रिसेशन से अपना उनका वजूद जो है वो मिटता जा रहा है। और एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है पाकिस्तान, और उसके पास कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई शॉप नहीं है सिवाय कश्मीर के राग के, जिसको वो राग के पूरी दुनिया में खासकर मुस्लिम ममालिक में भीख का कटोरा लेके जाता है और कश्मीरियों के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, आज हर बच्चे से बुजुर्ग जो है वो अपने सोशल मीडिया से जुड़ा है, अपने मोबाइल से पूरी दुनिया को देखता है। भारत का जो दिल है, भारत सरकार का जो दिल है, वो जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के लिए धड़कता है और हमेशा धड़कता रहेगा। बिल्कुल, और उसका तो सच्चाई क्या है वो सबके सामने है और विकास क्या है उसकी तस्वीर से भी जम्मू कश्मीर के लोग वाकिफ है, और इसीलिए उनकी आकांक्षाएं इन चुनावों में मत के जरिए ही सामने आ रही है। हमारे साथ शेख आमिर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। शेख आमिर, आज जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आया, जम्मू कश्मीर की जनता आपको कितना समर्थन देती है वो तो मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी तब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से समर्थन पहले भी मिलता रहा है कांग्रेस को और अब भी कांग्रेस गठबंधन को ही समर्थन मिल रहा है। मुद्दा 370 का उठाया है पाकिस्तान ने, क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा लेकर कांग्रेस गठबंधन भी चुनावों में जा रहा है, एनसी ने अपने घोषणा पत्र में इसे स्पष्ट किया है, कहीं विचार करने की बात है आपके लिए भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज की घटनाक्रम यही दिखाता है कि पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। जी शुक्रिया। देखिए, ये असल मुद्दे जो हैं उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर कल को ये बयान आता है किसी पाकिस्तान के किसी मंत्री से या किसी लीडर की तरफ से, अगर कल को ये बयान आता है कि मोदी जी जो हैं वो देशद्रोहियों के और आतंकवादियों का के साथ हैं, क्या तब आप इस चीज को तस्लीम करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। आप पाकिस्तान के जो हमारा जो दुश्मन मुल्क है और उसकी तरफ से उस बयान को, आप सुबह से मैं देख रहा हूं इस तरीके से इस नैरेटिव को चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ, क्या तब भी साथ था जब यहां पर हमने कुर्बानियां दी, जब आतंकवाद जिस तरीके से 1990 के दशक में यहां पे चला और कितनी कुर्बानियां और इस परचम को, हिंदुस्तान के परचम को बुलंद रखने के लिए और हिंदुस्तान के उस नाम को यहां जिंदा रखने के लिए आप जो कुर्बानियां कांग्रेस ने यहां पर दी, आप उसको भूल गए हैं शायद। इस मुल्क को आजाद करने में जो कांग्रेस ने कुर्बानियां दी है उसको शायद भूल गए हैं आप। आज एक आए दिन अब कोई बयान आ जाता है उसको चलाने के, मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ हाथ जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। बिरयानी खानी तो हम नहीं गए थे,
शॉल देने तो हम नहीं गए थे। शेख तो आमिर, आप जो बातें सामने रख रहे हैं इतिहास के लहजे से, वो अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो ये बात भी दीगर है कि 370 का मुद्दा लेकर एनसी ही सामने जा रही है गठबंधन में, आप उसके साथ गठबंधन में हैं, 370 हम बहाल करेंगे ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इसी मुद्दे को अगर पाकिस्तान कहता है कि ये मुद्दा तो हमें सूट करता है, ये तो इससे तो हम बहुत खुश हैं, हम समर्थन देते हैं, आए कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में, तो क्या कहीं आप लोगों को भी विचार करने की जरूरत नहीं लगती कि जो देश हमारे दुश्मन बना है, हमारा हमेशा बुरा चाहता है, अगर वो देश जो चाहता है वही कांग्रेस भी चाहती है या एनसीपी चाहती है कि हो जाए, तो कहीं ना कहीं विचार दोबारा करने की जरूरत आपको नहीं लगती कि है इसमें? क्या बहाल करेंगे आप 370 वापस लाकर? चलिए अभी आप यही हमें बता दीजिए, क्योंकि आज जनता ने तो ये दिखा दिया है भारी मत देकर शांतिपूर्ण मतदान के बाद कि हमें क्या चाहिए। देखिए, अभी तो आवाम ने उसका जवाब तो आपको पहले लोकसभा में मिल गया होगा कि कश्मीरी आवाम क्या चाहती है, उनका वोट कहां गया और नतीजा जो आपके सामने है कि यहां पर इंडिया अलायंस की कश्मीर में जो तीनों की तीनों सीटें हैं और यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात, असेंबली की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि लोग बड़े खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, लोग बड़े वोट डाल रहे हैं, तो वही उनके जो कैंडिडेट्स हैं कहाँ पर आपको देख रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, कितने कैंडिडेट्स, इतना ही विकास किया था, इतने ही लोग खुश हैं उनकी नीति और उनकी नीयत से, इतने खुश हैं, तो कैंडिडेट्स उनके कहाँ गायब हो गए? तो आपका ये कहना है कि 370 लाकर आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे? देखिए, जब 370 की बात कर, अगर हम कल को हम कोई भी हम सड़क पानी बिजली के लिए अगर हम वो सरकार से अगर हम सड़क पानी बिजली के लिए हम गुहार लगा रहे हैं, कल को पाकिस्तान कहेगा कि ये हम भी चाहते हैं, तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान को दरकिनार करके आपसे एक ही बात कर रही हूँ कि जो 370 का मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, जो पाकिस्तान को बहुत पसंद आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर अपने जमीनों के हुकूक, अपने रोजगार के हुकूक और जो यहाँ पर बेरोजगारी और जिस तरीके से जो नीतियां और जो पॉलिटिक्स यहाँ पर सियासत चलाई, जो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी को जलील करने की कोशिश, हमसे शनाख्त हमारी छीनी गई, हमारी पहचान पे हमला हुआ, हमारे तशखुस पे हमला हुआ, और उसके बाद हम अगर अपने जमीनों के हुकूक मांग रहे हैं, हमारी टोपोग्राफी, हमारी ज्योग्राफी और हमारे इतिहास को देख कर आप देख लीजिए कि हमारे कश्मीर के लिए जो बार बार कहा जाता है कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मैं आपको कहता हूँ आपको भी मानने की जरूरत है, Yes, I accept Kashmir, इसमें कोई दो राय नहीं है, Yes, it is integral part of India. आपको भी मानना पड़ेगा it is injured part of India, और जिस्म के हिस्सा जब कोई जख्मी होता है उसका इलाज करने की जरूरत होती है। शेख आमिर, इस वक्त एक बार स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। और चलिए, यहाँ पर आपने अपनी बात रखी है, धनंजय गिरी आपके पास आना चाहूंगी, बहुत कुछ बातें कही इन्होंने भाजपा को लेकर भी, आपकी प्रतिक्रिया। ममता जी, देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एंटी नेशनल अलायंस को पाकिस्तान के ख्वाब को बल मिल रहा है। दिक्कत तब होती है जब पाकिस्तान कहता है, जब धारा 370 और 35 से हटा, 48 घंटे का समय भी पाकिस्तान ने नहीं दिया कहा कि एम्बेसडर को खाली करने के लिए। दूसरी बात, उसके बाद कांग्रेस ने आज तक उसका विरोध नहीं किया। दूसरी बात कह रहे हैं, सुबह से आप नैरेटिव चला रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता आकर के सामने कह देता कि हम पाकिस्तान के इस मंसूबे के साथ नहीं है तो इस देश की जनता जान जाती। दिक्कत कब होती है? जब यहाँ के नेता, कांग्रेस के नेता, जब हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं, तब इस देश की आवाम को, चाहे वो कश्मीर की हो, कश्मीरियत की हो, भारत के किसी भी हिस्से की हो, उसको दिक्कत होती है। जब मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए हमें मेरी मदद करो, तब इस देश की आवाम को दिक्कत होती है। जब कश्मीर के बाल बच्चों का सीना छलनी होता है आतंकवाद की आग से और कांग्रेस से चुप रहती है, तब इस देश को दर्द होता है, तब हमें पीड़ा होती है। जो धारा 370 और 35 से भारत माता के मुकुटमणि पर लगा हुआ कलंक था, जिसे धो करके केसर का तिलक किया गया है, भारत के साना बसाना मिलकर के हम कश्मीर को विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसको सुरखुरू बनाएंगे, उसके कश्मीर की क्यारियों में जो बारूद की गंध थी उसे खत्म करके फिर से केसर सुगंध फैलाएंगे। और जब इतना 10 नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, जिस ढंग से कश्मीर का विकास हो रहा है, 800 मेडिकल की सीटें बढ़ी है, टूरिज्म बढ़ा है, 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इकोनॉमी डबल हो गई है। लेकिन मसला क्या है? कांग्रेस ने मुल्क से ऊपर किसी धर्म विशेष को रख करके अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स की है, जो इस देश में वीर अब्दुल हमीद की शहादत को नहीं याद करती है कांग्रेस, लेकिन हाँ, आतंकवादियों के साथ कांग्रेस साना बसाना करती है, उनके साथ हैंड इन ग्लव्स करती है। वो तमाम लोग
जो भारत की के ख्वाब देख रहे हैं भारत के खिलाफ, उनके स्टेटमेंट पर अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है तो यह पता चलता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक अगर राहुल गांधी के स्टेटमेंट के साथ खड़े होते हैं, अगर कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, तो ये सवाल उठता है कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जाकर के मैडम रोई थी और बाबर की मजार पर जाकर इंदिरा गांधी खड़ी थी, इसको नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। ये मैं नहीं कहता हूं, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। और इस तरह से, और दूसरी बात, कांग्रेस की कुर्बानी, आजादी में एक कुर्बानी बता दे कांग्रेस ने दी हो, तो एक कांग्रेस का नेता गोली से मरा हो, एक कांग्रेस के नेता को काला पानी हुई हो, एक कांग्रेस का नेता शहीद हुआ हो। आपने अपनी बात सामने रखी, मैं यहाँ सोहेल काजमी जी को भी चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। सोहेल काजमी जी, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां कांग्रेस के नेता, और अब राहुल गांधी के तो हाल फिलहाल के ही उदाहरण हमारे सामने हैं, जब वो अलगाववादी सोच का समर्थन करने वाले नेताओं के साथ अमेरिका में जाकर भी मिलते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। क्या कहीं सेल्फ कॉल करती नजर आती है कांग्रेस जब इस तरह की घटनाएं और खबरें सामने आती हैं? देखिए, इलेक्शंस का इस वक्त फीवर चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस है, हरियाणा में भी इलेक्शंस है, और उसके बाद बाकी स्टेटों में भी इलेक्शन होंगी, तो किस चीज़ का फायदा किसको, किस पार्टी को कहाँ मिलता है, वो उस पर स्ट्राइक करता है और बोलता है, विच इज आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर तो मुझे लगता है सारी पोलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए, जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सवाल है, जहां तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, और अगर हमको आगे बढ़ना है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए इस चैप्टर्स पे हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए। एज ए ओपिनियन मेकर मैं इतना ही बोलूंगा, लेकिन ये है, अफसोस होता है जब वो लोग, पाकिस्तान के लीडर्स, हमारी कुछ छोटी सी बात को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो उसकी हाइप लेके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसकी हाइप को चलाते हैं, और वो दुखद होता है, बड़ा गहरा वो उसका धक्का लगता है हिंदुस्तान की, हमारी अपनी पॉलिसी मेकर्स को, और उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं की छवि खराब होती है। लेकिन यह है कि नहीं होना चाहिए जी। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर का रखरखाव, जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट की बात है, जो चीजें इन्वेस्ट यहां हो रही हैं पीस को प्रवेल करने में, मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आके जम्मू कश्मीर के लोगों का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहिए और आगे के रास्ते हमवार करना चाहिए। जो अभी तो चुनावी माहौल है सोहेल जी, और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी सोच सामने रख रही है, देखना होगा जनता किसका साथ देती है, जिसके बाद एक और बड़ा नैरेटिव सामने आ सकता है जो जम्मू कश्मीर के ही भविष्य को बेहतर करता नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का, वक्त इतना ही है इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गाँव यहाँ आ गया। भैया हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर वन पशु आहार। हाथ धोकर आते हैं, साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चरण रोगों पर पड़े भारी, जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले, अभी खरीदे जालिम लोशन। बेटियां घर की रौनक है, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। घर की वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी वाली टेस्ट।
और ब्रेक के बाद रुक करते हैं अन्य खबरों का। भारतीय राजनीति में भाषा के संयम पर सवाल वक्त वक्त पर उठते रहे हैं। एक दल के आरोप पर दूसरे दल के पास भी पलटवार के कई अवसर होते हैं, और अब कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्राध्यक्षों के बीच चल रही लेटर वॉर भी इसी तरह का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। खड़गे ने राहुल गांधी के लिए कहे गए भाजपा नेताओं के 3-4 हिंसक बयानों का हवाला देकर प्रधानमंत्री को जो खत लिखा उसका जोरदार जवाब दिया जेपी नड्डा ने। इस पत्र को खड़गे द्वारा मजबूरी में लिखा खत बताते हुए उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर कहे गए अपशब्दों का हवाला दे डाला कि कांग्रेस नेताओं ने 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को 110 से अधिक गालियां दी हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल जिनके बीच चल रही है चिट्ठी की राजनीति, और मुद्दा है नेताओं द्वारा अशिष्ट भाषा का प्रयोग। यूं तो ये मुद्दा कई बार विमर्श के केंद्र में रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का गुरुवार को जवाब देते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक मजबूरी के चलते लिखे गए खत में कही गई बातें सत्य से कोसों दूर हैं। चूंकि अपने पत्र में खड़गे ने कुछ भाजपा नेताओं द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक तथा अभद्र भाषा के प्रयोग की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, सो नड्डा ने भी सिलसिलेवार ढंग से राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा पीएम के खिलाफ बोले गए तमाम अपशब्दों का जिक्र करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस नेताओं ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी। राहुल गांधी ने पीएम सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली दी। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की छवि को खराब कर देंगे। खड़गे ने अपने पत्र में सिलेक्टिव तरीके से राहुल गांधी को लेकर बात की, जिसे लेकर नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं, आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में शामिल होते हैं, विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म करने की मंशा जाहिर करते हैं, जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ विश्वमन करते हैं और पाकिस्तान से बातचीत और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं, सिख भाइयों की पगड़ी और कड़े पर भी विवादास्पद बयान देते हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के स्पष्ट दोहरे मानदंड पर निशाना साधते हुए लिखा कि खड़गे राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा सैम पित्रोदा से लेकर इमरान मसूद तक, के सुरेश से लेकर दिग्विजय सिंह तक, शशि थरूर से लेकर पी चिदम्बरम और सुशील शिंदे तक कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के बयान की भी याद कांग्रेस अध्यक्ष को दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के कामकाज पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। सम्मेलन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री ललन सिंह भी शामिल हुए, और इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन अप्रासंगिक होता जा रहा था। सहकारिता में जो समय के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं किया गया। मंत्रालय के द्वारा पिछले 100 दिनों में 10 निर्णय लिए गए, जिनमें से 3 पर काम शुरू हो गया है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के कामकाज पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के पूसा स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शिरकत की। सम्मेलन के मुख्य सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह सहकार से समृद्धि थीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 100 दिनों की पहल का शुभारंभ किया। सम्मेलन में अमित शाह ने अब तक कवर नहीं किए गए गांवों व पंचायतों में 2,00,000 नई MPACS प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण, श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रिया और सहकारी समितियों के बीच सहयोग पर एक मार्गदर्शिका का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थतंत्र को नई गति दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैक्स अब बंद नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं, वो 10 इनिशिएटिव
सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से तीन आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2,00,000 प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो 2,00,000 नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने डेयरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि आज हम दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी सोच था, उस दूरदर्शी सोच के कारण पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई की, उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। देश में अब नए पैक्स केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिसमें ग्रामीणों को सारी मूलभूत सुविधा प्रदान होगी। लगभग कुल 2,00,000 सहकारिता केंद्र देश के हर पंचायत में खोले जाएंगे। गुजरात में मॉडल के तहत 2 जिलों को चुना गया है। यहाँ के सहकारी संस्थाओं में इसके तहत सहकारी कर्मियों के कुल 4,00,000 बैंक खाते खुले जिसके तहत 24,00,000 ट्रांजैक्शन हुए। सम्मेलन में यह भी बताया गया कि डेयरी उद्योग अब विदेशी मुद्रा का भी अर्जन करेगी, दूध का निर्यात किया जाएगा और डेयरी से संबंधित उपकरण अब विदेशों से आयात नहीं किया जाएगा बल्कि इनका उत्पादन देश में ही होगा। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका के दौरे की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने PM के दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। Prime Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it,
a very important plurilateral aspect to it and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. तो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा प्रधानमंत्री का ये अमेरिका का दौरा. किन मायनों में, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या कार्यक्रम भी रहेगा पीएम का, ये आपके सामने रखना चाहेंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 से 23 सितंबर तक चलेगा और इसमें 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन होना है. 22 सितंबर को वहां पे जन समुदाय के साथ, भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे और 23 सितंबर को यूएनजीए का सेशन होगा. और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़े बिंदु जो हमने आपके सामने रखे हैं. लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी बैठकें और बहुत सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के होंगे. अगर हम क्वाड से शुरुआत करना चाहें तो 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन है जो इस बार होगा, जोसे विल्मिंगटन डेलावेयर में. यह पहला कार्यक्रम रहेगा पीएम का. और विल्मिंगटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रपति बाइडेन का गृह शहर है और इसीलिए यहां पर क्वाड सम्मेलन रखा गया है. और इस क्वाड सम्मेलन में हम जानते हैं कि क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सामने रखा जाएगा, जिसमें हिंद प्रशांत का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है. समावेशी और न्याय संगत सतत विकास, ये एक थीम, एक एजेंडा रहेगा इसमें. और यह महत्वपूर्ण बात कि 2025 में भारत अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जो अगले साल ही होगा. इसके अलावा क्वाड से हटकर अगर हम और बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी द्विपक्षीय बैठकें हैं जो सामने आ रही हैं और बहुत सारी हैं जिनके ऊपर योजना जारी है, जिनको प्लान किया जा रहा है. लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ है, जिसमें अमेरिका और भारत के रिश्तों को विस्तार से देखा जाएगा, उनका आकलन किया जाएगा. लेकिन साथ ही बहुत से महत्वपूर्ण समझौते हैं जिनका आदान प्रदान भी किया जाएगा. और एक महत्वपूर्ण इवेंट है यहाँ पे कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देते हैं कि कैसे कैंसर को दूर करने के लिए रिसर्च की जाए. अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों तक भी इसका विस्तार होना जरूरी है. इसके अलावा और जो द्विपक्षीय बैठकें या अन्य महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो महत्वपूर्ण है. आईपीईएफ की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने इस पर खास तवज्जो दी और ये जो समझौता इससे संबंधित वो भी महत्वपूर्ण रहेगा. व्हाट इज आईपीईएफ, क्या होता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसमें इंडो पैसिफिक में जितने देश हैं उन सबके बीच में आर्थिक और समावेशी एकीकरण को मजबूती देने के लिए आईपीईएफ महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. और इसमें चार स्तंभ होते हैं जिनको लेकर भारत एक्सेसिबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, इनको ज्यादा एक्सेस करने की ओर, अपनाने की ओर बढ़ रहा है. इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के साथी हैं, इनके साथ भी द्विपक्षीय बैठकें होनी है. इससे हटकर बैठकों के अलावा भी अगर हम कुछ अन्य कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये सेशन, शिखर सम्मेलन. प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भविष्य के शिखर सम्मेलन, समिट ऑफ द फ्यूचर के ऊपर अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे. और इसमें जो थीम रखा गया इस बार वो यही है कि बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान. भारत यहाँ पे अपना दृष्टिकोण साझा करेगा और साथ ही शांति, सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और डिजिटल डिवाइड, ये तमाम और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिन पर भारत कैसे इन विश्व की समस्याओं का समाधान भारत अपने दृष्टिकोण, अपने अनुभव से कर सकता है, इस मुद्दे को, इस बिंदु को भी इस मंच से साझा करेंगे. और जाहिर है कि विश्व सुनना चाहेगा कि भारत जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री के इस दौरे में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो भारत और अमेरिका के साथ साथ भारत के विकास में भी योगदान देंगे, जिनमें महत्वपूर्ण है व्यापारिक बैठकें, क्योंकि टेक सीईओज के साथ प्रधानमंत्री बैठकें करेंगे. व्यापार जगत के दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी. और विदेशी भागीदार जो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं उनके साथ भी बैठकें होंगी. लेकिन ये बैठकें इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज से जुड़ी कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे जो भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक की जो आधुनिक तकनीकें हैं, जिनको लेकर हमने देखा है पिछले 100 दिनों में भी, सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में इन पर खास जोर भी दिया है. इनसे जुड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे. और इसके दौरान क्या तकनीकी निवेश का परिदृश्य भारत में है, भारत कैसे एक्सेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, भारत कैसे आपको भारत में निवेश करने पर कुछ फायदे दे सकता है, और कैसे भारत में जो अवसर है उपलब्ध हैं उन अवसरों को ये कंपनियां भी प्रयोग कर सकती हैं, तमाम ये ऐसे बिंदु हैं जिन्हें अपने संवाद के दौरान प्रधानमंत्री सामने रखेंगे. तो प्रधानमंत्री का इस अमेरिकी दौरे पर सबकी नजर रहेगी. 21 से 23 सितंबर ये तारीखें हैं जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर होंगे. फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट.
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी, जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले, अभी खरीदे जालिम लोशन। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किए गए प्रयासों को अब वैश्विक पहचान मिली है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को सर्वोच्च रेगुलर फॉलोअप रैंकिंग दी है। इस रैंकिंग का मतलब है कि भारत वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में एक सक्षम देश है और भारत में वित्तीय स्थिरता की स्थिति काफी मजबूत है। भारत की इस ताजा रैंकिंग से भारत में निवेश आने में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। भारत की जो रेटिंग हुई है वो रेगुलर फॉलोअप में हुई है, जो सबसे ऊपर की श्रेणी है, जो पास विद डिस्टिंक्शन जिसको कह सकते हैं। और इस श्रेणी में जो कंट्रीज़ आते हैं उनके लिए कोई प्रकार की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। FATF ने माना है कि भारत का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग का सिस्टम है वो उच्च श्रेणी का है। हमारी हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस है FATF के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। हमारी संस्थाएं इंडिपेंडेंटली और इफ़ेक्टिवली अपना काम कर रही हैं और भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सिक्योर है और उसके जो पैरामीटर्स हैं सुपरविजन और रेगुलेशन के वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हैं। कौन सी पॉलिसी मेजर्स हैं जिसकी वजह से FATF ने इतनी हाई रैंकिंग दी और क्या आपको लगता है कि भविष्य में इसे और भी इम्प्रूव किया जा सकता है? जो भारत ने ब्लैक मनी के अगेंस्ट काम किया, शेल कंपनीज़ को हमने ख़त्म किया, करीब 5 लाख शेल कंपनीज़ को हमने बंद कर दिया, संस्थाएं नई बनाई, I4C बना जिससे साइबर फ्रॉड के ऊपर नियंत्रण करने में हमने सफलता प्राप्त की, PMLA की रेगुलेटरी सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया, वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम लेके आए, FIU में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम हमने सुधार के वहाँ पे FinNet 2 नया इम्प्लीमेंट किया, ED ने जो बहुत सारी असेट्स को कॉन्फिस्केट किया, सीज़ किया और जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अलग किया, जो हमारे टेरर के केसेस हैं उनमें हमने बहुत इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस गैदर करके इन्वेस्टिगेशन किया। वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर रिकमेंडेशंस आई FATF की, जहाँ भारत को अभी आगे जा करके इम्प्रूव करना है, मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं उनके? तो जहाँ पर उन्होंने भारत के सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट किया है और हाई रेटिंग दी है वहाँ पर उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि जो हमारा ट्रायल का पीरियड है, जो हमारे कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के, उनका कंक्लूजन टाइमली होना चाहिए जिससे जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा हो सके और केसेस का कंक्लूजन हो। तो मेन रिकमेंडेशन FATF की ये है। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि जो DNFPB सेक्टर है, जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी डीलर्स हैं,
कैसीनोज़ हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनका हमें सुपरविजन और बेहतर करना चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार का स्कोप मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें ना रहे। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि हमने ऑलरेडी व्यवस्था लागू की है, उसको और सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है। स्पष्ट तौर पर ये जो FATF की नई रिपोर्ट है, इससे भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जो निवेशक हैं उनका भी विश्वास आगे जाते हुए और ज़्यादा मजबूत होगा। कैमरामैन मोहित के साथ अजमेर से डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो FATF की ओर से भारत के लिए अच्छी खबर। फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। कट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादू आपका तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बेल, मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब बात एक देश एक चुनाव की, जिस पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग मोदी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। सरकार इससे संबंधित विधेयक लाने से पहले आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग मोदी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि बार बार आचार संहिता लगने की वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। ये कहना अनुचित होगा अगर कोई कहे कि चुनाव आयोग ये दोनों चुनाव साथ साथ नहीं करा सकता है, क्योंकि चुनाव कराने में साथ साथ कराने में चुनाव आयोग सक्षम है, चार बार करा भी चुका। मैं ये मानता हूँ कि चुनौतियाँ हर कदम पे आती है, किसी भी दिशा में कदम बढ़ाएं, यही नहीं कोई से भी अपन योजना लागू करते हैं, कोई नए प्रयास करते हैं, चुनौतियाँ सामने आती है, चुनौतियों से हमें पार पाना होगा, हमें देश को समझना होगा, देश को समझाना होगा, आमजन को भी समझाना होगा कि ये उनके हित में है। वहीं राजस्थान के टोंक के युवाओं ने भी मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। जी ये बिल्कुल अच्छा फैसला है, मेरी नज़र में देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आचार संहिता लग जाती है उससे बहुत से स्टूडेंटों को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्सों को फ़ायदा होगा, जिससे जो वैकेंसीज रुक जाती है वह नहीं रुकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो बार बार आचार संहिता लगी थी, अब वो 5 साल में सिर्फ एक बार ही लगेगी। इससे हमारे स्थानांतरण में और शिक्षा के जो फॉरम वॉरम होते हैं उसके अंदर जो रुकावट आती है वो नहीं आएगी, और इससे संसाधन राजकोष, जो भारत का राजकोष है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनको और टाइम के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो वो डिप्रेशन टाइप में चला जाता है। मैं इसके पक्ष में हूँ कि ये अच्छा है, और इससे ना बहुत सारा काम है वो नहीं रुकेगा। इससे जो अपना राजकोष होता है जो भी नहीं रुकेगा, उसके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, सारा काम अच्छे से होगा इससे। तो देश की जनता दे रही है वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने 1692 करोड़ रुपए की लागत की इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण का भूमि पूजन भी किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रपति ने वहाँ जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। संसद टीवी के 3 वर्ष पूरे होने पर संसद भवन परिसर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया। स्वास्थ्य सचिव के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की OSD पुण्य सलीला श्रीवास्तव और मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भी माँ के नाम एक पेड़ लगाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिला सशक्तिकरण एवं खाद्य सुरक्षा परियोजना के विस्तार का शुभारंभ किया। असम में ओरुनोडोई 3.0 के तहत 37 लाख से अधिक लोगों को प्रतिमाह 1250 रुपए मिलेंगे और NFSA राशन कार्ड के तहत 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में 1000 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ वाराणसी में BJP कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बिहार के गया में जदयू नेता और पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के घर पर NIA ने छापा मारा है। जानकारी के अनुसार नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामले में टीम ने छापेमारी की है। राजस्थान के दौसा में आखिरकार एक नन्ही जिंदगी की जीत हो गई है। बांदीकुई थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गांव में खेलते समय 2.5 साल की बच्ची नीरू 35 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, जिसे आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के नक्सली हिंसा के पीड़ितों का दल दिल्ली पहुंच गया है। ये दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। पहली बार नक्सल पीड़ितों का इतना बड़ा दल राष्ट्रपति से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचा है। UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूजा खेड़कर पर झूठे दस्तावेज दाखिल कर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि पूजा खेड़कर का UPSC द्वारा बायोमेट्रिक लिए जाने का दावा बिल्कुल गलत है। दिल्ली में SBI ने NCMC का शुभारंभ किया। इसमें कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया। देश के विभिन्न शहरों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेट्रो स्टेशनों पर बिना किसी शुल्क के ये उपलब्ध है।